यूक्रेन की सेना ने रूस को दिया बड़ा झटका, एक अहम पुल को कर दिया बर्बाद। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे, संसद ने किया निर्वाचित। WHO ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामले दर्ज किए, भारत में भी बढ़ रहा खतरा। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, यूपी के मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगी, देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दिल्ली में गुवाहाटी जा रही फ्लाइट में आई खराबी, जयपुर किया गया डायवर्ट, 2 दिन में तीसरी बार आई गड़बड़ी। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे ऋषि सुनक, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने का रास्ता अब भी कठिन। हरियाणा के नूह में DSP को डंफर से कुचलने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भाग कर रिश्तेदारों के यहां पहुंचा था राजस्थान।